Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sweet Sanvin. You are watching Sanvin's Top. Guys, again, I'm back with another amazing video. And आज की जो हमारी PTO है वो है इंडियन मिलिट्री पावर वर्सेज पाकिस्तानी मिलिट्री पावर. और देखेंगे 2024 का ये कंपेरिजन है. नई वीडियो आई है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या न्यू अपडेट्स हम लोगों को पता चलेंगे. देखेंगे कि इंडिया के पास कितने हथियार है, पाकिस्तान के पास कितने फाइटर जेट है, और अगर कभी जंग हो जाती है तो कौन जीतेगा. ठीक है, तो 6 सितंबर है आज और यौमे दिफा पाकिस्तान के अंदर बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है. और 1965 की जंग के दौरान जो है हम लोग जीते थे भाई, हम लोग जीते थे. हम पाकिस्तानी 1971 में भी जीते थे, हम जो है वो 1965 में भी जीते थे. सारी जंगे हम जीते थे, ठीक है, और सारे इंडिया को हरा दिया हमने, हमने इंडिया को हरा दिया भाई, हम जीते थे. ठीक है, मुझे कहा जाता है तुम पाकिस्तान के खिलाफ ना बोला करो, मैंने कहा ठीक है यार, हम ही जीते थे. मैंने जो शुरू से बचपन से स्टडी किया वही सच्ची थी, कोई नहीं कहेगा झूठी थी. तो अरे रब्बा, कितना झूठ बोलना पड़ता है. चलो गाइस, क्या टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके अच्छा, पूरी तादाद के साथ पाकिस्तान के पास ये 60 हैं और इंडिया के पास इंडिया हैज 264. वाओ, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ओके, इंडिया के पास 2000 हैं, नहीं ये भी हमारे पास ज्यादा, 60 ज्यादा होता है. ओके, पाकिस्तान 387, फाइटर एयरक्राफ्ट. अद्धो अद्ध का फर्क है पाकिस्तानियों. फोर थर्टी फोर. ओके, भाई बहुत ज्यादा होने वाला. 2269. ओके, 2296 टोटल एयरक्राफ्ट. ओके यार, इंडिया लीड पे है, इंडिया 40. ओके, व्हाट अबाउट पाकिस्तान हियर, 57. इधर हम ज्यादा हैं, इधर हम ज्यादा हैं. ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है ना वो हमारे ज्यादा हैं. पाकिस्तान 352 एंड इंडिया 869. इंडिया नंबर लेगा. ओके, अब नेवी की बारी आ रही है. अभी ये फजाई हमले थे ना, अभी अगर पानी में लड़ाई हो जाए तो फिर कौन जीतेगा. पानी में कितनी कितनी चीजें हैं पास. इंडिया के पास 2 हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स. ओके, और पाकिस्तान के पास 0. ये सबमरीन है ना. पाकिस्तान हैज 8 एंड इंडिया की मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है ना दिखने में भी. एंड इंडिया हैज 18. नॉट बैड, नॉट बैड. इंडिया दोबारा से वापस से लीड पकड़ता हुआ, हम सिर्फ एक एक पॉइंट पे आ गए. पाकिस्तान के पास 114 है, इंडिया के पास है, वही इनके पास भी वही है 294, ऑलमोस्ट 3 नेवी फ्लीट. ओके, अभी आ जाए जरा जमीन पर, जमीनी हमला हो जाए तो फिर वहां पे कौन पावरफुल है. ओके, पाकिस्तान है 602
has Jamon and Rattu multiple lounges. Acha de. Yahan bhi India ke bahut hai. Pakistan ke paas 3238 okay. अच्छा इधर इंडिया से आता है ना क्योंकि अब टैंक पाकिस्तान पर है 3742 ऑलमोस्ट जो है कम ही है 4000 के पास है 4614 टैंक्स. ओह माय गॉड. यहाँ भी अभी तक तो इंडिया लीड कर रहा है, हर कहीं लीड कर रहा है. ये क्या है, ये वो मिसाइल वाला है ना. ओके इंडिया के 66 है. व्हाट अबाउट पाकिस्तान? लगता है हम आगे हैं. ओह 90 पाकिस्तान के पास है 90 मिसाइल्स. ठीक है भाई, मिसाइल हमारे पास ज्यादा है, क्या फायदा. बाकी चीजें जो शून्य शून्य है उनके पास नहीं है. इज इट वॉर? व्हाट इज दिस? ₹170 पाकिस्तान के पास है. इंडिया के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब्स. अच्छा जी, उधर उनके पास फिर भी दो ज्यादा है ना भाई. इंडिया छाया हुआ है. ओके फौजी आप देख लेते हैं, मिलिट्री सोल्जर्स. नाम ही नहीं ले रहे. मैसिव किस्म का नंबर आएगा. 550,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मुझे गिनती पढ़ने में थोड़ी मुश्किल आती है, वर्ड्स में पढ़ लेते, नंबर्स में मेरा थोड़ा होगा. कैमरा घुमाने से पता चल गया. सो फोर्सिंग भाई, हमारी तो कुछ भी नहीं है. इंडिया की है ये 1 करोड़ तक पहुंच गया इंडिया. कैसे एक्टिव फोर्सेस, देखो इतनी सी वाली. ओह माय गॉड गाइस, तो ये थी सारी वीडियो और इंडिया और पाकिस्तानी मिलिट्री पावर्स के अंदर ये सारी कंपैरिजन था. ठीक है, अगर फिजाई हमला हो जाए तो फिर
किस तरह से जो है वो इस चीज को जो है वो देखा गया कि कौन ताकतवर है फिजाई हमले में, फिर देखा गया कि अगर पानी के अंदर जंग हो जाए तो कौन ताकतवर है, फिर देखा गया कि जमीन के ऊपर अगर जंग हो जाए तो कौन ताकतवर है, ठीक है अगर आदमियों के अंदर जंग हो जाए तो कौन ताकतवर है। यार ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया नंबर ले गया, कहीं टाइम पर तो हम बिल्कुल जीरो पे थे और इंडिया के पास तो हर चीज यार बढ़ बढ़ के डबल ट्रिपल टाइम्स जो है ना, सम टाइम मैंने देखा कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर ना वो ट्रिपल टाइम हमसे ज्यादा आ गया। तो वी आर नॉट इन स्टेट के हम इंडिया से जंग लड़े या उनसे जो है वो क्या उसे कहते हैं दुश्मनी मोल लें, बिकॉज अभी आप अपनी सराउंडिंग में देखें ना, आप एशियन कंट्रीज से देखें, एशियन कंट्रीज के बाहर भी देखें ना, तो हर बंदा जो है वो इंडिया इंडिया कर रहा है, हाथ मिलाना चाह रहा है उनसे, क्यों, क्योंकि उनके पास जो है ना वो हर चीज डबल ट्रिपल है, और अपनी जो है वो पहले ट्रेन भी जापान से मंगवाते थे, अब तो ट्रेन भी खुद बनना शुरू हो गई है उनके पास, और अभी देखे ना अबू धाबी के अंदर उन्होंने अपना जो है वो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन खोला है दुबई के अंदर, और क्या ही भाई कमाल है। इंडिया तो पाकिस्तान के मतलब लागे भागे भी नहीं, अब ना होता ना एक बंदा बस क्लोज होता है बस, लेकिन हम लोग तो क्लोज भी नहीं, हम तो बहुत उनसे जो है ना दूर है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा, तो चले कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।